हाँ भाई नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हो? क्या हुआ था बेटा आज? छिपकली लिख रही और गल गई इसमें और तीन के मैं खाल लिख ली तीन के मैं हड्डी लिख ली। ओ रसोईया बता रहे हैं कि दीदी साफ सुथरा खाना बनाया था और शायद कहीं से भी छिपकली उसमें खाने में गिर गया गलती से और पक गई है। और रोज रसोईया भी खाना खाती हैं और सभी लोग खाते हैं, स्टाफ के भी एक दो लोग खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खाना साफ सुथरा इसके किस स्कूल का मामला है? जी आगमपुर स्कूल का है। तो रसोईया बहुत परेशान थी, उसको उल्टी हुई, दो तीन बच्चों को तुरंत हम यहाँ लेके भाग के आए। बच्चे आगमपुर स्कूल से आए हुए हैं मिड डे मील खाने के बाद। इन्होंने जो कंप्लेन की कि पेट दर्द और उल्टी की, जिसके बाद इनके टीचर इनको यहाँ पे लाए। कुल 10-12 बच्चे हैं, जिनमें से दो बच्चों को उल्टियाँ थी, 7 बच्चों को पेट में दर्द था, जिनको प्राथमिक उपचार दिया गया। सारे बच्चे सब ठीक हैं और बाकी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन। खाना बना मेनू के अनुसार बना और बच्चे खाना खाए, लेकिन खाने के पहले जो है बच्चों को खिलाने के पहले खाना चखने की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। उसमें आज चखने वाली रसोइयाँ भी चखी भी, बल्कि आज अभिभावक समिति की तरफ से कोई नहीं आया था, तो मोनी एक रसोइया है वही चखी भी। और बच्चे खाना खाए तो कुछ बच्चों को वोमिटिंग की समस्या आई, तो बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया। बच्चे नॉर्मल हैं इसमें। बच्चों महाविद्यालय में 196 नामांकन है, 100 आज उपस्थिति थी बच्चों की। फूड बातें दो तरह का आ रही हैं, एक तो कोई कह रहा है छिपकली, कोई कह रहा है फूड पॉइजनिंग। अब मौके पर जाएं तो देखें कि क्या स्थिति है, क्योंकि जो रसोईया आज चखी थी और खुद बनाई भी थी वो भी चखी और शायद उसको भी वोमिटिंग की समस्या आई। तो अब देखें, अस्पताल में 4-5 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट में हैं और सभी बच्चे नॉर्मल हैं और प्रिकॉशन के तौर पर सभी बच्चों को डॉक्टर को दिखवा दिया गया, कोई दिक्कत ना हो जिससे कोई समस्या ना बड़ी हो बन जाए।